गुड मॉर्निंग बच्चों, अपना दूसरा पाठ चला हुआ था राम परशुराम लक्ष्मण संवाद अभ्यास का छठा प्रश्न देखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार रखिए। पाठ में हमने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम जो है, इन दोनों के अंदर ही जो है वो साहस शक्ति, इन दोनों गुण हैं। व्यक्ति के अंदर साहस होना भी जरूरी है और उसे शक्तिशाली होना भी जरूरी है, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साहसी होने के और शक्तिशाली होने के साथ साथ विनम्र भी होता है तो वह कहीं ज़्यादा शक्तिशाली या प्रभावशाली होता है। प्रस्तुत पाठ के अंदर श्री राम साहसी भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, लेकिन वो उग्रता नहीं दिखाते हैं। परशुराम और लक्ष्मण की भांति उग्रता नहीं दिखाते हैं, और जो व्यक्ति साहसी और शक्तिशाली होने के साथ साथ विनम्र होता है वह विवेकपूर्ण तरीके से सही फैसले लेता है, किसी प्रकार की गलती नहीं होती, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करता, और दूसरे लोगों से उसका अपमान भी नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को साहसी और शक्तिशाली तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ विनम्र भी होना चाहिए ताकि वह दूसरों के का अपमान न करे और दूसरों से अपमानित न हो। क्योंकि हम पाठ में देखते हैं कि लक्ष्मण अत्यधिक उत्साह और जोश के वशीभूत होकर के अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अपमान कर बैठते हैं और उनका उल्लंघन कर देते हैं, जबकि परशुराम अत्यधिक शक्ति और साहस के अभिमानवश या उसकी ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह से सभी क्षत्रियों से अपने आप को शक्तिशाली मानने लगे और एक तरह से पूरी सभा का अपमान करते हैं, तथा साथ साथ ये भी विवेक नहीं रख पाते कि वो जिस बालक से बात कर रहे हैं वो कौन है और वह एक साधारण क्षत्रिय नहीं है। इसलिए व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का होना जरूरी है। सातवां प्रश्न देखिए। सातवें प्रश्न में क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। कह बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। ये वैसे हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी इसका भाव आपने बताना है कि परशुराम की अतिशोक्तिपूर्ण और अभिमानपूर्ण बहादुरी की बातें सुनकर के लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहते हैं कि आप तो बहुत मुनि तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े योद्धा हैं और स्वाभिमानी हैं, और ये तो जो है किसी से भी नहीं डरते हैं, बार बार मुझे केवल इसलिए फरसा दिखा रहे हैं ताकि मैं डर जाऊँ। ये वैसे ही कर रहे हैं जैसे फूंक के द्वारा पहाड़ को उड़ाने की असंभव चेष्टा की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर लक्ष्मण जो है परशुराम के अभिमान को चूर चूर करने के लिए व्यंग्यात्मक कथन कहते हैं। खै में देखिए कौन सा पैरा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसके अंदर जब परशुराम लक्ष्मण को अत्यधिक डराने की कोशिश करते हैं, अपना फरसा दिखाते हैं, अपने बल का अभिमान दिखाते हैं और अपने बारे में ये बताते हैं कि मैं बहुत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी और बहुत शक्तिशाली हूँ, तब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं भी कोई छुईमुई का पौधा नहीं हूँ जो तर्जनी को देख करके डर जाए, मैंने भी तुम्हारा योद्धाओं जैसा कठोर वेश देखकर जानबूझकर तुम्हें ललकारा है, अनजाने में तुम्हें नहीं टोका है। भाव ये है कि लक्ष्मण परशुराम के हथियारों से और उनकी शक्ति से या पराक्रम से घबराने वाले नहीं हैं। गय का देखिए, गाधी सूनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरि अरे सूझ, अयमय खांड ने ऊख में अजहुन बूझ अबूझ। इसमें गाधी पुत्र अपने मन ही मन हृदय में हंस करके कहते हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, ये लोहे का खांडा है अर्थात तलवार है, ईख की तलवार नहीं। कहने का भाव ये है कि
परशुराम अपने बल के अभिमान स्वरूप और कुछ पापी क्षत्रियों को मारने के बाद ये भ्रम धारण कर बैठे हैं कि उनके समान कोई भी योद्धा नहीं है और वो किसी भी क्षत्रिय को आसानी से मार सकते हैं। विश्वामित्र मन में सोचते हैं कि परशुराम बहुत बड़े भ्रम का शिकार हो गए हैं, वो भूल गए हैं कि ये सूर्यवंशी राजकुमार परशुराम से युद्ध में किसी भी तरह कमतर नहीं हैं और उन्हें हर क्षत्रिय परशुराम को हर क्षत्रिय न जाने क्यों कमज़ोर ही नज़र आता है, जबकि इन्होंने ईंख की तलवार के बहम में लोहे की तलवार से पंगा ले लिया है, लोहे की तलवार से टक्कर लेने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो ये आपके तीनों भाग सातवें प्रश्न के हो गए हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो ये मैंने कविता पढ़ाते समय जो आपको काव्य सौंदर्य बताया था उसमें से लगभग आपने 10 पॉइंट एक पैरे के रूप में या सारणी के रूप में लिखने हैं। तो इसमें आप कह सकते हो कि साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है, छंदयुक्त रचना है, दोहा और चौपाई छंदों का सुंदर समन्वय किया गया है, इसके अंदर तत्सम तद्भव शब्द हैं, बिंब बहुत ही सुंदर बिंब योजना की गई है, व्यंग्य शैली है, व्यंजना सब शक्ति है, कहीं कहीं जो है वीर रस है और ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त आप अलंकार बता सकते हो, शब्द शक्ति बता सकते हो, जहाँ लक्षणा सब शक्ति है वहाँ लक्षणा सब शक्ति आप बताओगे और व्यंजना सब शक्ति है वहाँ पर व्यंजना सब शक्ति। तो इस तरह से आपने जो है काव्य सौंदर्य वाले पॉइंट इसके अंदर आपने लिखने हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण सहित बताइए। तो आपने कुछ उदाहरण पाठ्य पुस्तक में से देने पड़ेंगे जहाँ पर व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है या एक दूसरे पर व्यंग्य किए गए हैं, उन उदाहरणों को लिखते हुए आप इसको स्पष्ट करेंगे। मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला उदाहरण देखिए, ये जो तीसरा अनुच्छेद अपना था, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनि सु महाभट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। इसमें लक्ष्मण जी ने व्यंग्यपूर्वक कहा है कि अरे महामुनि तो बहुत बड़े योद्धा हैं और स्वाभिमानी हैं, ये बार बार मुझे फरसा दिखा करके फूंक से पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि मुनि मुझे डराने के लिए वैसा ही प्रयत्न असफल प्रयत्न कर रहे हैं जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना असंभव होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही जे तर्जनी देखी मरी जाही देखी कुठार उसरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसमें क्या है, इसमें लक्ष्मण जी उस बात पर व्यंग्य करते हैं जब परशुराम बार बार अपने आप को क्रोधी शक्तिशाली और योद्धा स्वाभिमानी योद्धा कहते हैं और लक्ष्मण को डराने की कोशिश करते हैं, तब लक्ष्मण कहता है कि मैं कोई छुईमुई का पौधा नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी को देखते ही मुरझा जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो व्यंग्य वचन लक्ष्मण ने कहे हैं वो आप छांट छांट कर थोड़े से एक्सप्लेन के साथ थोड़ी सी व्याख्या कर स्पष्टीकरण के साथ उनको आप बता सकते हो कि कैसे इस पाठ में बहुत सुंदर व्यंग्यों का प्रयोग किया गया है। आपको ज़्यादातर व्यंग्य लक्ष्मण की ओर से ही मिलेंगे। चाहें तो आप एक आखिरी वाले पैरे में एक और व्यंग्य है वो मैं दिखाता हूँ। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा मात पित ही उरिन भई नी के गुरु रिन रहा सोच बड़ जी के। इसमें लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्वक वचन कहते हैं क्योंकि जब वो कहते हैं कि मैं हे ऋषि विश्वामित्र इस बालक को रोक लीजिए अगर इसे बचाना चाहते हो, नहीं तो मैं अपने फरसे से इसके प्राण लेकर अपने गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम में ही उऋण हो जाऊंगा। तो यहाँ व्यंग्य करते हैं लक्ष्मण कि हे मुनि तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है, माता पिता के ऋण से तो भली भांति आप उऋण हो गए हो, मुक्त हो गए हो, अब गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए बहुत लालायित हो। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़बाढ़ा अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, व्यंग्यपूर्ण वचन है कि तुमने जैसे कि वो सारा ही जो लेखा जोखा है ऋण मेरे माथे पर लिख दिया हो और कई दिन होने के कारण ब्याज बहुत बढ़ गया है जो तुम मुझसे लेना चाहते हो। तो ये व्यंग्य वचन है। अब किसी व्यवहारिये को बुला लीजिए, किसी मुनीम को बुला लीजिए, मैं तुरंत धन की थैली खोलकर तुम्हारा हिसाब करता हूँ, अर्थात मैं तुरंत तुम्हें मजा चखाता हूँ। तो यहाँ पर भी व्यंग्य वचन हैं लक्ष्मण के, तो बहुत सारे व्यंग्य इसमें आपको मिल जाएंगे। और तीन चार व्यंग्य बताने के बाद आप लास्ट में कह सकते हो कि इस प्रसंग में जो है
व्यंग्य का तुलसीदास जी ने बहुत ही अनूठा प्रयोग किया है, जो अपने आप में सरल, सहज और रंजक, मनोरंजक है तथा पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव भी छोड़ने वाला है। दसवें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बाल को बोली बधो नहीं तो ही, तो बहुत आसानी से आप पहचान गए होंगे, बै बै की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, तो इसके सामने आप लिख सकते हो अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, तो सम समानता की गई है, तुलना करने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। देखिए आप यहाँ पर दो अलंकार भी बता सकते हो, कह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास, फिर कोमा लगाओ और उपमा, कारण क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तुम तो काल हाँक जनु लावा, तुम तो मानो काल को ही बुला रहे हो, तो जनु जानो मनु मानो, जहाँ आता है वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए तो कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर घ का देखो, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देख जल संबतन बोले रघुकुल भानु। इसमें सरिस और समाया है, सा सम समान सदृश सरिस, ये आते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी उपमेय के उपमान के साथ तुलना की जाए तो उपमा अलंकार होता है। तो ये आपका अभ्यास पूरा हो गया है, आपने इसको लिखना और याद करना है।